हेलो स्टूडेंट, आज जो प्रैक्टिकल करने वाला हूँ वो है थियोरी ऑफ मशीन का प्रैक्टिकल है। थियोरी ऑफ मशीन काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन का प्रैक्टिकल है जिसका नाम है कोरियोलिस एक्सीलरेशन। ये जो प्रैक्टिकल है ये 4 बार लिंक मैकेनिज्म जिसका डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, 4 बार लिंक मैकेनिज्म का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक्सीलरेशन कैसे डेवलप होता है, साथ साथ जो वेलोसिटी होता है लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, उसके वजह से जो चेंजेस आता है एक्सीलरेशन में, उसी के ऊपर प्रैक्टिकल है जिसका नाम है कोरियोलिस। साइंटिस्ट है, इन्होंने आविष्कार किया तो उसका नाम है कोरियोलिस एक्सीलरेशन। ये हमारा अपैरेटस है, इसका मैं डिटेल्स आगे बताऊंगा आपको, डिटेल्स लिंक कैसे होता है। पहले आपको मैं बता देता हूँ इस लाइन डायग्राम के थ्रू जो उसमें हो रहा कैसे, ठीक है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा कोरियोलिस एक्सीलरेशन का एक जो मॉडल है वो मॉडल, एक चेंबर है ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारा एक शाफ्ट है जिसका 3 अलग अलग पार्ट्स है, बीच में बियरिंग लगा हुआ है। यहाँ से हमारा इनपुट होता है, यहाँ से हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। और इसका नीचे जो थ्रू इसका मोटर लगा हुआ है, मोटर का थ्रू नीचे मोटर होता है, ये मोटर लगा हुआ है, इसका थ्रू ये पूरा शाफ्ट घूमता है। लेकिन इसमें अलग अलग पार्ट्स है, एक ही शाफ्ट नहीं है, इसमें 3 पार्ट्स है। इसका जो रिएक्शन होगा टेंजेंटाइल रिएक्शन होगा, यहाँ से पानी आया, पानी आके ये वाल पे टकराया, टेंजेंटाइल फोर्स होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। इस सेंट्रिपिटल फोर्स और टेंजेंटाइल फोर्स के वजह से जो रिएक्शन होगा ऑपोजिट रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन देखेगा आपको यहाँ से एक लगा हुआ है बैलेंस, जिसमें कितना फोर्स लग रहा है वो इंडिकेट करेगा। यहाँ से पानी आया, पानी आया तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, जैसा ही मैं इसके अंदर ओमेगा डालूंगा मतलब उसके अंदर रोटेटरी मोशन दूंगा, जैसा ही रोटेटरी मोशन दूंगा तभी उसके पास ओमेगा जेनरेट होगा, जैसा ही ओमेगा जेनरेट होगा उसका एक्सीलरेशन में क्या चेंजेस आएगा, उसी के ऊपर प्रैक्टिकल है जिसका नाम कोरियोलिस एक्सीलरेशन बा 4 बार मैकेनिज्म। ये जो शाफ्ट आपके सामने दिख रहा है, ये जो शाफ्ट है इसका नाम है लिंक नंबर 1। इसके अंदर जो वाटर जा रहा है, जो फ्लूड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, जो फ्लूड इसके अंदर से पाइप के अंदर जा रहा है उसका नाम है लिंक नंबर 2। ऐसा नहीं है लिंक हर टाइम रिजिड बॉडी होगा, फ्लेक्सिबल बॉडी भी हो सकता है। जैसे फ्लूड इज ए लिंक नंबर 2, ये कभी फ्लैक्चुएट करेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी वेलोसिटी ज़्यादा कभी वेलोसिटी कम। तीसरा नंबर लिंक है मेरा थर्ड लिंक फिक्स, इस प्रैक्टिकल में थर्ड लिंक हमारा फिक्स, ये बॉडी जो दिख रहा है, ये जो बॉडी दिख रहा है इस बॉडी है थर्ड लिंक फिक्स। और चौथा नंबर जो हमारा लिंक है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें हमारा टॉर्क जेनरेट होगा इसका रिएक्शन के वजह से, वो है हमारा 4 लिंक। ये 4 लिंक का मैंने बात कर दिया, इसी के ऊपर प्रैक्टिकल है। एक्चुअली क्या होगा, यहाँ 2 वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी और एक वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। जब ओमेगा 0 रहेगा मतलब इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, हमने पानी डाल दिया और पानी सीधा चल रहा है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आपको पानी दिख रहा है इस पाइपलाइन के थ्रू सीधा दोनों तरफ से, जो टी सेक्शन बना हुआ है दोनों टी सेक्शन से पाइप दोनों तरफ जा रहा है। इस समय इसका जो ओमेगा है वो 0 है, ओमेगा 0 है, मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट यहाँ दिख रहा है इस जगह ओमेगा 0 है। जैसे ही मैं इसके अंदर हल्का सा भी रोटेटरी मोशन दूंगा, ये रोटेटरी मोशन दिया मतलब हो गया जहां हमारा ओमेगा यहां था यहां नहीं रहेगा, धीरे से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, और स्पीड बढ़ाऊंगा और शिफ्ट होगा, और फिर स्पीड बढ़ाऊंगा और ऐसा धीरे 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 ओमेगा का जो चेंजेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इस सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डिस्प्लेसमेंट कहता है। मतलब हमारा ओमेगा यहां था, मैंने स्पीड बढ़ाया यहां गया, और स्पीड बढ़ाया यहां गया, और स्पीड बढ़ा, जैसा ही चेंज हो रहा है, ये जो थीटा है ये कितना थीटा एंगल यहां आके पहुंचता है उसी का नाम है डिस एक्सीलरेशन। इसी का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सीलरेशन है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डेटा लेना होता है, जैसा आपको आरपीएम, जो आरपीएम मैं आपको बता दूंगा। दूसरा क्यू इज एलपीएच, ये जो हमारे पास रोटामीटर लगा है वो रोटामीटर का लीटर पर आवर कितना आउटपुट पानी आ रहा है उसका क्यू डिस्चार्ज, क्यू इज डिस्चार्ज, यूनिट क्या है एलपीएच लीटर पर आवर, एपीजे फोर्स, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो बॉडी पे टकरा रहा है, टकराने की वजह से जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की वजह से, टेंजेंटाइल फोर्स की वजह से जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन आपको नीचे एक बैलेंस लगा हुआ है, उस बैलेंस से आपको पता लगेगा, ठीक है।
ये है एक्चुअल ऑक्सीलरेशन, ये थ्योरेटिकल एक्चुअल ऑक्सीलरेशन डायरेक्ट मिल जाएगा, थ्योरेटिकल ऑक्सीलरेशन इसका डिटेल्स जो है मैनुअल में आपको मिल जाएगा, मैनुअल में आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये बस सीधा मैं प्रैक्टिकल शुरू कर रहा हूँ जिसके प्रैक्टिकल कैसे करना है। पहले मैं मशीन दिखा देता हूँ, ये आपको सामने दिख रहा है लिंक नंबर वन, अच्छा से दिखा देता हूँ लिंक नंबर वन। ये जो पानी पास हो रहा है आपके सामने, जो पानी पास हो रहा है देखिए ट्यूब से पानी जा रहा है, लिंक नंबर टू। ये जो बॉडी दिख रहा है लिंक नंबर थ्री। ये जो स्प्रिंग बैलेंस दिख रहा है इसका नाम है लिंक नंबर फोर, लिंक नंबर फोर ठीक है। ये हमारा ये जो दिख रहा है ये आरपीएम मीटर है, ये हमारा रेगुलेटर है, ये हमारा रोटा मीटर। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है ये रोटा मीटर से उसका फ्लो रेट क्या रहेगा। जैसा इस समय हमारा जो फ्लो रेट है वो है 500 से एक पॉइंट ज्यादा है, मैं उसको बराबर 500 में सेट कर देता हूं। इसका जो टॉप लेवल होता है वो उसका रोटामीटर का लेवल होता है। देखिए अभी 500 लीटर पर आवर ये शो कर रहा है, 500 लीटर पर आवर ये शो कर रहा है, रोटामीटर हमारा सेट हो गया। इसी हिसाब से मैं तीन रीडिंग लेके अलग अलग मैं बता रहा हूं। इस समय हमारा आरपीएम है 48 आरपीएम में मैं रीडिंग लेना शुरू कर रहा हूं। ये हमारा रिएक्शन शुरू हो गया, आपके सामने देख रहे हैं रिएक्शन शुरू हो गया है, ये ट्रांजिटल फोर्स टकरा रहा है। इस समय हमारा जो रोटामीटर का रीडिंग ले लिया, इसके बाद मुझे लेना है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। आपको मैं स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग दिखा रहा हूँ, ये है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। देखिए एक इसका 50 ग्राम बड़ा है, इनिशियल रीडिंग था हमारा 250 ग्राम एरर था, तो एक पॉइंट मतलब 50 ग्राम इधर से बता रहा है 50 ग्राम है, एक डिवीजन मतलब 50 ग्राम मतलब हो गया 300 ग्राम ठीक है, 300 ग्राम हो गया हमारा पैरा रीडिंग का रिएक्शन 300 ग्राम है। इस समय हमारा आरपीएम है 102, हमारे पास दो ऑप्शन है, आरपीएम को वेरी कर लीजिए नहीं तो ये जो रोटामीटर दिख रहा है ये रोटामीटर को वेरी कर लीजिए, दोनों प्रोसेस होता है। मैं आरपीएम को वेरी कर रहा हूँ। इस समय हमारा जो रिएक्शन है वो मैं देख लेता हूँ रिएक्शन कितना है, एक पॉइंट देखिए नीचे से उधर एक एक दो पॉइंट बाहर निकल गया, दो पॉइंट मतलब 100 ग्राम बाहर हो गया, 100 ग्राम हमारा बाहर हो गया। थर्ड रीडिंग 150 149 150 ठीक है। इस समय 150 क्या आरपीएम में मेरा ये आपको दिख रहा है ट्रांजिटल फोर्स चल रहा है, ये रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है ठीक है, लिंक नंबर वन लिंक नंबर टू लिंक नंबर थ्री जो रिएक्शन कर रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय जो हमारा फोर्स लगा है मतलब ये रिएक्शन है वो है आपका उधर से 500 निकल गया, देखिए उधर से 500 डिवीजन निकल गया मतलब हमारा ये 500 हो गया मतलब 2.5। इस प्रैक्टिकल का और कोरियोलिस ऑक्सीलरेशन का हमारे पास रीडिंग आ गया है, आपके सामने दिखा रहा हूँ रीडिंग आ गया है। जब 50 आरपीएम था तब हमारा क्यू था 500 लीटर पर आवर, फोर्स था 50 ग्राम। ये बार फार्मूला लगाना है, जब 100 आरपीएम हुआ तो उसका जो फोर्स लगा रिएक्शन हुआ 100 ग्राम ठीक है। इसको सबको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, जो आपको मैनुअल मिलेगा वो न्यूटन में है तो आपको केजी से न्यूटन में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। जब 150 आरपीएम है तो उस पर 250 ग्राम का रिएक्शन हुआ। अगर एक्चुअल और थ्योरेटिकल का फॉर्मूला लगाना है और आपको ओमेगा बा ऑक्सीलरेशन एक्चुअल जो ये ऑक्सीलरेशन हुआ है यहाँ था धीरे 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 चेंज होके गया, ये जो ऑक्सीलरेशन हुआ है ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, यही है 4 बार लिंक मैकेनिज्म बा कोरियोलिस ऑक्सीलरेशन। आशा करता हूँ ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, नहीं है तो तुरंत पूछ लेना है ये प्रैक्टिकल में हो कैसे रहा है। धन्यवाद।